मनुष्य का स्वभाव आकाश में उड़ते पक्षी के समान होता है, लेकिन पंख न होने की व्यवस्था उसे जमीन पर चलने के लिए बाध्य कर देती है। इसी व्यवस्था को चाणक्य ने मनुष्य के लिए उपयोगी माना है। वे कहते हैं कि व्यवस्था मनुष्य और उसके आचरण को पथभ्रष्ट होने से रोकती है। इसी शक्ति का अभाव मनुष्य को ब्रह्मचारी बनने के लिए विवश कर देता है। धन का अभाव मनुष्य को साधु संत तथा रोगग्रस्त को ईश्वर भक्त बना देता है। वृद्धावस्था की व्यवस्था से ही स्त्री पतिव्रता बन जाती है। इसी संदर्भ में चाणक्य आगे कहते हैं कि यदि मनुष्य बिना विवश हुए ऐसा आचरण अपनाए तो उसकी महत्ता और बढ़ जाएगी।